सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है जिसको लेके आज हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शायद आपकी नॉलेज में भी होगा कि कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ जो एक अभद्र भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है महिलाओं के लिए, तो उसी के लिए आज जो हमने ये जो मेरी ये बहनें हैं तो हमने मिलके जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताना चाहूँगी कि 2024 18 जनवरी को हमारे घर पे एक हमला होता है, उसके बीच में जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी दो उंगलियां भी कट गई और एक बंदा एक चाकू लेके आता है और वो बंदा सीगल कंपनी का मुलाजम था। वो बंदा मैं ये भी बता दूं कि वो डिग्रियोस था लड़का, वो उसका नाम परमवीर था। वो हमारे घर पे आया और उसने हमला किया। उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई हुई उसमें उसके खिलाफ FIR काटी गई और जो ये आज ऑडियो जो ये वायरल हुआ तो उसमें हमें नहीं पता कि ये लोग कौन बातें कर रहे हैं। ये पुलिस का काम है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे कि जो बंदा इसमें बात कर रहे हैं, और उन्होंने उसमें जिक्र भी किया है कि मैंने SHO को बोला कि इसमें FIR नहीं लगनी चाहिए और वो फीमेल है, वो कहीं कोर्ट तक चली जाएगी तो फिर हमें इस पे FIR लगानी पड़ी। और भी एक अपनी सभी बहनें यहाँ पे बैठी है, एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम समाज में रहते हैं तो सबकी अपनी माँ बहन है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों का प्रयोग होना चाहिए। अगर इसमें इन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को कोई वोट गेन करने के लिए अगर किया होगा तो मेरा उन जो ये बनाने वाले हैं जिन्होंने ये वायरल की है और जो लोग इसमें बातें कर रहे हैं जो हंस रहे हैं, तो मेरा उनसे भी एक ये रहेगा कि अगर आपको वोट चाहिए थे तो आप अपनी किसी माँ बहन की बना के भी तो आप ऑडियो वायरल कर सकते थे। तो इसको हमने पॉलिटिकली बिल्कुल भी नहीं रखा है, ये एक सामाजिक मुद्दा है कि अगर जो ये मेरी बहनें आई हैं तो ये हमारे साथ खड़ी हैं। आज हमारी कोई रैली नहीं थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि अगर आने वाले टाइम में हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा हमारे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि नारी अगर नारी का अपमान होगा, जब जब नारी का अपमान हुआ है तो तब तक समाज में बहुत इसका भुगतान करना पड़ा है लोगों को। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर आज जो ऑडियो वायरल हुई तो उसी कारण कल कोई हमारी बहन हो, ठीक है अगर किसी की ऑडियो वायरल हुई तो परिवार में कोई पढ़े लिखे बंदे हैं तो उन्होंने कुछ इशू नहीं किया होगा। अगर किसी माँ बहन की अगर ऐसी ऑडियो बनती है तो कल को मुझे लगता है कि किसी का तलाक हो सकता है, किसी का घर टूट सकता है, किसी बहन की पढ़ाई छूट सकती है, तो इससे कोई बहन सुसाइड भी कर सकती है। ये एक बड़ा ही मतलब एक इमोशनल विषय है। अगर हमारी बहनें आज हमारे साथ ये खड़ी हैं तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में इस बात से मेरी कोई भी रामन की कोई बहन है वो जूझे। मैं पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी ऑडियो आई है, अगर जिनकी आवाज है हमने जो हंस रहे हैं उसमें हमने उनका भी जो हम अपनी जो कंप्लेन दर्ज कराई है SSP को उसमें हमने नाम दिया गया है और उसमें वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करे कि ये किसने किया और कैसे निकली और ये कहां से आई। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कोई किसी का करेक्टर डिसाइड नहीं कर सकता है। और एक लास्ट में मेरा एक ये निवेदन है कि कुछ लोगों को आप जैसे कुछ बहनें बेचारी बड़े दिन से मेरे घर में लगातार आ रही थी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती थी, उन्होंने की भरोसा दिया हमें कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं लास्ट में एक ये बात बोलना चाहती हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब था कि कुछ लोगों के मुझे फोन आ रहे थे कि मैडम जी ऐसे ऐसी आपकी कोई ऑडियो वायरल हुई है, उसमें कोई लेडीज कोई बात नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऑडियो मेरी रिलीज नहीं हुई है। वो उस माँ ने जैसी परवरिश दी होगी अपने बच्चे को तो उन्होंने वो ऑडियो वायरल की है। तो कल को मुझे लगता है कि समाज में अगर ऐसी जो अभद्र भाषा का प्रयोग अगर किसी फीमेल के लिए कर सकते हैं तो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई माँ बहन सुरक्षित है उनके घर में। मेरा एक यही रहेगा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ही मतलब था कि मेरी कोई ऑडियो नहीं रिलीज हुई कि मैं कोई बात कर रही हूँ, ये जो जिनकी परवरिश है, जिनकी माँ ने ऐसी परवरिश दी है तो
उन्होंने कुछ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, तो मैं उनको एटलीस्ट लास्ट में मैं अपनी, आज जो हमारा सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अगर इसका एक अगर नहीं इसमें कोई, अगर आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज है, इसमें सब कुछ पता लग सकता है कौन है, किसने बनाई, कैसे वायरल हुई, अगर इसका जल्दी से जल्दी अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको नहीं सुलझाती है, तो आने वाले टाइम में रामन का एक बहुत बड़ा जो एक नारी शक्ति है वो अपना प्रोटेस्ट करेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर आज इस चीज का अगर आप अच्छे से इसका हल नहीं निकलेगा, तो आने वाले टाइम में कोई भी सुसाइड कर सकती है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई रहने की आवश्यकता है। मुझे आप सभी को यही कहना था। जी, मैं आपको इसमें बता दूं कि इस ऑडियो के माध्यम से हमने ये भी सुना है कि हम घर पे जाते हैं तो उनको उठा के लाते हैं और एक नाले के नीचे या टिप्पर के नीचे ढाल के इनको मार देते हैं, तो ये भी एक थ्रेट है। ये कल को मेरी अपनी जो फैमिली है उसके लिए भी एक ये थ्रेट है, तो मैं एसएसपी से निवेदन करूंगी कि इसमें देखा जाए, सिक्योरिटी का भी रिव्यू लिया जाए इसमें, कि अगर वो उसमें ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि हम घर जाते हैं तो उनको लेके उनको कभी डंपर के नीचे डाल देते हैं या मार देते हैं, तो इसमें उनको संज्ञान लेने की बहुत जरूरत है।